ब्रेकअप एक ऐसी चीज है जिससे निकल के आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, या जिसके साथ हुआ है सिर्फ वही इसको समझ सकता है। तो ब्रेकअप जब हो जाता है तो इतना ही ज्यादा हम लोग उसको अपने माइंड में ले लेते हैं कि उसके अलावा कोई भी थॉट हमारे माइंड में नहीं आता है। हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्या ये डिजर्व नहीं करती थी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं तो इतनी अच्छी थी, मैं तो इतना अच्छा बिहेव करती थी उसके साथ, उसके बारे में सब कुछ सोचती थी, जितना हो सके मुझसे वो करती थी, फिर भी ऐसा हो गया मेरे साथ, क्यों ऐसा किया मेरे साथ, ये भगवान मेरे साथ ही क्या ऐसा होना था। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा खुद को कोसते रहते हैं, या फिर जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है या तो उसको कोसते रहते हैं, उसको बोलते रहते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उससे इतना प्यार किया था, ये तो मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, उसने मुझे धोखा दिया। हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसके अलावा कोई थॉट हमारे माइंड में नहीं आता है, चाहे हमारे पढ़ाई लिखाई हो या फिर कोई हम लोग जॉब करते हो, कोई हॉबी हो हमारा, किसी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, सिर्फ हमारा ध्यान एकदम 100% उसी में अटका हुआ होता है। तो यही चीज खराब है। तो इसी से आपको क्या करना है, करना है, मूव ऑन करना है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ जब ब्रेकअप हुआ था तो मेरा हाल भी इसी तरह से हुआ था, लेकिन हाँ मैं किसी ना किसी तरह से वहां से मूव ऑन जरूर की हूँ और अभी मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। तो अगर मैं मूव ऑन कर सकती हूँ तो आप भी मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दो चीजों पे काम करना बहुत ही जरूरी होता है, एक है हीलिंग और एक है डिटैचमेंट। इन दोनों पे काम करके आपको अपने खुद को, खुद के लाइफ को बेहतर बनाना है, उस थॉट से आपको निकल के आना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी हीलिंग के बारे में। तो सबसे पहले जो आप लोगों को करना है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेशन सबसे जरूरी होता है। तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए रियलिटी को जो आपके लाइफ में हुआ है। हाँ, कुछ दिनों तक जब पहला पहला ब्रेकअप होता है बहुत ही ज्यादा पेन होता है, तो तब फटाक से वहां से निकल के आना बहुत ही मुश्किल होता है, या रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे 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 आपको ये क्या करना होगा, करना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ये ब्रेकअप हुआ है और हुआ है, ये हुआ है तो वो मेरे लाइफ से चला गया है, वो बंदा और नहीं है मेरे लाइफ में। अब हमको क्या करना है कि मेरे खुद के लाइफ के बारे में सोचना है, रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना है, उसी में नहीं मगन होकर रहना है, उसी ध्यान में हमेशा आपको नहीं रहना है। डोंट थिंक अबंडेंस अबाउट योर लव, यानी उसके बारे में मत सोचिए अभी वो क्या कर रहा होगा, अभी मेरे बारे में वो क्या सोच रहा होगा, वो पता नहीं अपने लाइफ में मौज कर रहा होगा, वो तो बिंदास है, मुझे ही इतना पेन हो रहा है, शायद उसको नहीं हो रहा है, इस टाइप से सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है। और उसको तो आप फॉरगिव ही कर दीजिए उसको, ठीक है, क्योंकि वो बंदा किस वजह से आपको छोड़ के गया है उसका कोई रीजन है ना ही, वो उसको आपको बताया है तो उसका जो रीजन है वो उस कारण से आपको छोड़ के गया है, तो इसलिए उसके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, रिग्रेट करना बंद कर दीजिए उसको, माने गाली गलौज करना, ये सब करना, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन वो करना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कोई का जो होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई कारण होगा जो ही जिसकी वजह से आप उसको, वो आपको छोड़ के गया है, तो फिर उसको रहने दीजिए अपनी तरह, कोई कारण होगा तो इसीलिए कोई जरूरत नहीं है, आप क्या के दिए उसको भी फॉरगिव कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद क्या कीजिए, आप अपनी लाइफ की तरफ फोकस कीजिए। हाँ, ये करना बहुत ही मुश्किल होता है, अगर पहले पहले बहुत ज्यादा पेन होता है जब ब्रेकअप होता है तो अगर मन करता है आपको रोने का तो रो लीजिए, अगर मन करता है कि घर में एक जगह एक कोने में बैठे रहेंगे अकेले तो वही कीजिए, अगर लगता है कि मील स्किप करेंगे तो मत खाइए, वैसे ही बैठ लीजिए, ठीक है। अगर किसी से कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए, जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, उस मोमेंट पे जब पहला पहला ब्रेकअप आपका हुआ है उस मोमेंट पे जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन कितना दिन तक, ज्यादा दिन तक नहीं, जब तक आपका वो होता है, तो होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको मूव ऑन करने की कोशिश करना है, यानी हीलिंग करने की कोशिश करना है, शुरुआत करना है आपको, ठीक है। कुछ दिनों तक रो लीजिए, बिना खाए रह लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन कुछ दिनों तक बस, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके लाइफ के बारे में सोचना है, आपको ये नहीं सोचना कि बाप रे वो अभी पता नहीं बिंदास है अपने लाइफ में, बिजी होगा अपने लाइफ में, पता नहीं क्या कर रहा होगा, बिजी होगा अपने लाइफ में, सब लाइफ में बिजी होते हैं यार, आपके लाइफ में काम नहीं है, आपका कोई हॉबी नहीं है, तो हमेशा उसके थॉट में पड़े रहने से चलेगा, आप वहां से मूव ऑन करके आइए और अपना जो हॉबी आपको जो अच्छा लगता है वो सब करने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को जो बताऊंगी वो है व्हाट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर ए रीजन, कोई भी घटना घटता है ना उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, वो आपके लायक नहीं था या फिर वो आपके लिए था ही नहीं,
हो सकता है कि अभी जो हुआ है आपके साथ, ये जो ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है ये बंदा चला गया तो उसके बाद आपके लाइफ में कोई अच्छा आने वाला है, कोई अच्छा होने वाला है, अच्छा चीज आपके लाइफ में हो सकता है कि इसीलिए वो गया है, इसीलिए आपके लाइफ से वो गया है कि आपके लाइफ में फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है। तो इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ जरूर मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए ये बंदा आपसे गया है। पता है हम लोग किसी भी चीज़ को ले लेते हैं ना बहुत सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई कोई चीज़ ऐसा होता है जो कि कुछ दिनों के लिए ही हमारे साथ होता है, जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट रहता है 1 मंथ का, किसी के साथ 2 मंथ का, किसी का 6 मंथ का, किसी के साथ 1 ईयर का, उसके बाद वो बंदा चला जाता है। तो आपको इसी तरह से सोचना पड़ेगा अपने बारे में, ठीक है। तो मैंने भी इसी तरह से खुद को हीलिंग किया था। मेरा तो हालत बहुत ही खराब हो गया था जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, तब मेरा बहुत मने मेरे सबसे असर पड़ा था माइंड मेरा बिल्कुल खराब हो गया था, और उसी वजह से मैं हमेशा ही रोती रहती थी, हमेशा ही उसके बारे में सोचती रहती थी, और मेरी वजह से मेरी फैमिली जो है वो भोग रही थी, मेरी फैमिली भी सुखी नहीं, हंसी खुशी नहीं रह पाती थी सिर्फ मेरी वजह से। तो ये ठीक नहीं है। तो फिर कुछ दिनों तक मैंने भी वही किया, कुछ दिनों तक मैंने भी रोया, उसके बारे में सोचा क्यों वो मुझे कॉल नहीं कर रहा है, क्यों मुझे टेक्स्ट नहीं कर रहा है, वो क्यों मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, मैंने इतना प्यार किया था उससे, मैंने इतना किया उसके लिए, ये सब बहुत कुछ सोचा। लेकिन उसके बाद मैंने स्टेप लिया, क्योंकि मुझे स्टेप लेना था, मैं स्टेप लूंगी। मेरे साथ बहुत सारे लोग मेरे फैमिली के जुड़े हुए हैं, मेरे पे इफेक्ट पड़ता है तो उन लोगों पे भी इफेक्ट पड़ता है, पड़ेगा। तो इसीलिए मैं वहां से निकल के आने की कोशिश, क्योंकि मैं खुद के लाइफ को तो खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनका क्या कसूर है, उनके लाइफ को मैं खत्म नहीं कर सकती हूँ। तो उनके लिए मुझे अच्छा होना पड़ेगा, उनके लिए मुझे अच्छे से जीना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने स्टेप लिया और मैंने क्या किया, थेरेपी ली। घर में मैंने बताया कि मुझे बहुत जरूरी है, मुझे थेरेपी लेना ही पड़ेगा, और नहीं तो मैं ठीक नहीं हो सकती। तो मैंने कदम उठाया, मैंने थेरेपी ली, मैंने कंसल्ट किया जाके, और जिनसे मैंने कॉन्सल्ट किया ना वो मुझे एक बात बता रहे थे कि हमेशा जो लोगों का ब्रेकअप होता है ना, वो लोग हमेशा ये सोचते रहते कि अब वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, अब वो मेरे बारे में सोच रहा है कि नहीं, पता नहीं मुझे क्यों नहीं टिक्स कर रहा, मेरी याद नहीं आती है क्या उसको, इस सब के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये सब मत सोचिए, बंदा आपको छोड़ के चला गया है, ओवरऑल खत्म हो गया है वो, आपको छोड़ के चला, वो ऑलरेडी गया है, आप कुछ नहीं बचा है, उसको छोड़ दीजिए, उसको अपनी लाइफ अपनी तरह से जीने दीजिए, बाबा जी ले अपनी जिंदगी। और आपको सोचना है कि आपके लाइफ में क्या करना है, आपका कोई हॉबी नहीं है क्या, आपके लाइफ में कोई काम नहीं है, वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको भी लगता है कि थेरेपी लेना चाहिए तो लीजिए थेरेपी, जरूर लीजिए थेरेपी, थेरेपी लीजिए। अगर आपको पिल्स लेने हैं, डॉक्टर कंसल्ट करना है, उनसे दवाई लेके आप ठीक होंगे, हाँ लीजिए दवाई, लीजिए टाइम दीजिए खुद को, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि आज मेरा ब्रेकअप हुआ और 2 दिन में ही मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, नहीं, उसमें टाइम लगेगा, वो धीरे 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 होगा, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए कि उस जो इंसान आपको छोड़ कर गया है उसको इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दिया कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंस खुद को दिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस खुद को दीजिए, इस जगह पे आपको स्वार्थी बनना है, ठीक है। कोई दूसरे इंसान को इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद के बारे में सोचिए, खुद को क्वेश्चन कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को क्या अच्छा लगता है वो कीजिए, आपकी वजह से दूसरे दुखी हो रहे ना हो उसकी कोशिश कीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो, गाना गाना अच्छा लगता है करिए, डांस करना अच्छा लगता है करिए, ग्रेटिट्यूड लेटर लिखेंगे लिखिए, जो करना अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन खुद को वहां से आपको उठा के लेके आना है, ठीक है। ब्रेकअप मेरा जब ब्रेकअप हुआ था तो मैं क्या करती, मैं अपने दोस्तों को फोन करती थी और बताए थी कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया है, कुछ तो करो मेरे लिए, कुछ अच्छा कुछ मुझे बोल दो ताकि मैं वहां से खुद को हटा सकूँ, खुद के माइंड को हटा सकूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, आपके जो अच्छे दोस्त हैं उनको बताइए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, उनसे बात कीजिए, मैं भी करती थी। या फिर जिन लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है उनसे बात कीजिए, वो लोग कैसे मूव ऑन किए थे उसके बारे में सोचिए, या फिर उस टाइप का वीडियो देखिए कि ब्रेकअप होने से कैसे मूव ऑन किया जा सकता है, कुछ भी कीजिए लेकिन खुद को ठीक कीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं जो बताना जा रहा हूँ आप लोगों को वो है पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 क्या है, वो है डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है नो कॉन्टैक्ट, उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। जितना भी आपका मन करके उसको टेक्स्ट करें, जितना भी मन करे कि स्टोरी छोड़े उसको, गुड न्यूज़ उसके साथ शेयर करें, यार यार इतना दिन का हम लोगों का रिलेशन है कैसे फटाक से बंद कर दे, हो सके तो दोस्त का ही रिलेशन रख लें, कोई ज़रूरत नहीं है।
में जितना भी मन करे टेक्स्ट करने का मत कीजिए, रोकिए खुद को, रोकना ही पड़ेगा खुद को। जितना भी मन करे कि स्टोरी शेयर करें उसके साथ, गुड न्यूज शेयर करें, एकदम नहीं, आपको एकदम कंट्रोल करना है खुद के ऊपर। नो कॉन्टैक्ट बेसिस पे आपको चले जाना है, उसी स्थान पे आपको चले जाना है, नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि विजिट द प्लेसेस दैट मेड यू क्राई, उस जगह पे विजिट कीजिए। देखिए जब हम लोग रिलेशन में रहते हैं तो हम लोग बहुत सारे बातें करते हैं उसके बारे में जिसे हम लोगों को अच्छा लगता है, या फिर बहुत सारे जगह पे हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, विजिट करने के लिए बहुत सारे घूमते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है हमारी यादें जो है वो जुड़ी रहती है। अब बाद में अगर कभी हम लोगों को वहाँ उस जगह पे जाने का अगर काम पड़ जाए या फिर कोई बोले उस जगह पे जाने का, तो हम लोग मैंने पूरा पूरा इग्नोर करना, नहीं भाई उस जगह पे तो नहीं जाना, कहीं और बोलो चल लेंगे लेकिन उस जगह पे नहीं जाना है, तो ऐसा करना है नहीं, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आप जाइए उस जगह पे, जाइए और जाके अगर वहाँ पे रोना आता है तो वहाँ पे जाके रो लीजिए, ठीक है। जिस जिस जगह पे आपका आपकी यादें जुड़ी हुई है उसके साथ उस जगह पे जाइए, मन खराब लगता है खराब लगता है, खराब लगने दीजिए, फेस कीजिए उसको, ठीक है। एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, तीन बार जाएंगे, रोएंगे, उसके बाद फर्क नहीं पड़ेगा, जितना बार जाए उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना रोना आएगा ना कुछ आएगा। हम लोग हमेशा उसी इंसान से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं जिसमें हम लोगों को क्या दिख जाता है कि हमारे में जो कमियां है वो उसमें दिख जाता है। जैसे सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं और जो जिस इंसान के साथ आपका अटैचमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा खुले दिल का है, बहुत हंसता है, आपको हंसाता है, या बहुत खुले से बात करता है, या फिर वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहता है, अपनी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में सोचता है, इस टाइप का इंसान है, तो आप में वो गैपिंग है और उसमें वो सब चीज़ है जिस वजह से आप दोनों में अटैचमेंट हुआ है। तो आप क्या कीजिए, अपने अंदर उन सब चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ में भी वो सब है, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, तो वो सब अपने लाइफ में ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप इंट्रोवर्ट हैं, आप वहाँ से खुद को निकालने की कोशिश कीजिए, ये सब करना होगा। देखो का हाथ कहीं पे भी कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं उस जगह को अच्छे से धो के, उस जगह को क्या करते हैं दवाई लगा के उसको क्या करते हैं हम लोग बैंडेज कर देते हैं। किस लिए बैंडेज करते हैं, ताकि वो जो कटा है मेरा, जो घाव हुआ है वो क्या हो जाए, हील हो जाए मेरा। अगर कम घाव है तो कम दिन लगेगा हील होने में, ज़्यादा बड़ा घाव है तो ज़्यादा दिन लगेगा हील होने में, लेकिन हम लोग कोशिश तो करते हैं उसको हील करने की, तो हील करने की, और डेली देखते हैं कि कितना वो जो ओंड है मेरा भरा है, कितना हील हुआ है, डेली हम लोग चेक करते हैं, डेली उस पर काम करते हैं, डेली उस पर दवाई डालते हैं, डेली उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका भी लाइफ में जो दिल में आपका पेन हुआ है वो उसको भी आपको हीलिंग करने की कोशिश करनी होगी। और ये जो ओंड है ये तो एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाएगा, एक दिन में ठीक नहीं हो जाएगा, इस बहुत टाइम लगेगा, जितना टाइम लेना है उसको वो लेगा। तो उसी तरह से आपकी भी जो पेन है दिल के अंदर, तो वो जितना वो होगा आपको कोशिश करनी होगी। हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं, बैंडेज बांध, तो आपको भी वहां पे कोशिश करनी होगी, कोशिश करते 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 वो एक दिन हील होगी। तो ये ओंड जो है हम लोगों का, तो इसको जितना टाइम लेना है वो उतना टाइम ही लेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जब पूरा पूरी हील हो जाएगा ना, फिर उस जगह को हम लोग छुएंगे तो कोई दर्द नहीं होगा। हाँ, एक मार्क रह जाएगा हो सकता है, लेकिन छुएंगे तो कोई दर्द नहीं होगा। तो उसी तरह से आप लोगों के दिल का हीलिंग का कोशिश करेंगे तभी हील हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, उसको जितना टाइम लेना है वो उतना टाइम लेगा और आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। उतना टाइम उसमें दीजिए और देने के बाद खुद को हील कीजिए, खुद को हील करने के बाद उसके बाद अपने लाइफ के बारे में सोचिए कि हाँ मुझे लाइफ में क्या करना है। कोई कोई लोग क्या करते हैं पता है, मूव ऑन के नाम पे खुद को बहुत बिजी कर लेते हैं, और नहीं तो दूसरे रिश्ते में दूसरे रिश्ता वो लोग जोड़ लेते हैं। नहीं, ये आपका मूव ऑन नहीं है, ये हीलिंग करना नहीं होता है, ये हीलिंग करना नहीं होता है। सबसे पहले क्या करना है, जो घटा है आपके साथ, जो पेन आपको मिला है उसको साफ करना पड़ेगा, तब जाके आप बिजी लाइफ में ढुकिए, और नहीं तो दूसरे रिलेशन में जाइए। अगर उसको आप हीलिंग ही नहीं करेंगे, वो साफ आपके दिल से निकलेगा नहीं ना, तो नया रिश्ते में अगर आप लोग जाएंगे, खुद तो पास्ट का ट्रॉमा कैरी करिएगा ही, उसको भी ट्रॉमा दे दीजिएगा, उस इंसान को भी आप ट्रॉमा दे दीजिएगा। तो ज़रूरत नहीं है, पहले टाइम लीजिए, टाइम दीजिए खुद को पहले हीलिंग करने का, ठीक है। पूरी तरह से खुद को वहाँ से निकाल के लाइए, उसके बाद अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसान आता है, अच्छा इंसान आता है, आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए सही है, तो जाके आप उसके साथ रिलेशन जोड़िए। फटाक से किसी के साथ रिलेशन मत जोड़ लीजिए, क्योंकि एक बार गलती करता है तो इंसान सीखता है, ठीक है। कोई इंसान अगर आपके लाइफ में आता है ना, तो कोई ना कोई लेसन आपको वो सिखा के जाता है, तो उस लेसन से सीखिए। सीखने के बाद दोबारा अगर किसी रिलेशन में आप जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के ध्यान से जाइए, ठीक है।
तो फटाक से जो पहले रिलेशन में आप किए थे फटाक से दूसरे रिलेशन में मत घुस जाइए। तो इसी तरह से क्या होता है, इंसान धोखा खाने का और ज्यादा चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो जो मैं बोल रही हूँ उस पे अमल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कीजिए कि खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को क्या अच्छा लगता है खुद से क्वेश्चन कीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन कि आपको क्या अच्छा लगता है खाने में, क्या अच्छा लगता है, कौन सा कलर आपको पसंद है, कहाँ जाना आपको अच्छा लगता है, इस टाइप से खुद के मन को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप का स्टेप लेंगे तो देखिएगा बहुत हद तक आपका जो है वो धीरे 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 आपका जो वो पेन है वो हीलिंग होता जाएगा। जब भी ब्रेकअप का घटना घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पूरा पूरी फोकस हम लोगों का रहता है उसी में, उसी चीज में, बुरा चीज में, अरे मुझ में ये बुराई थी, मैंने साथ ये किया था इसीलिए मुझे छोड़ दिया क्या, या फिर मैंने क्या किया था, मैंने तो ये नहीं किया था, इस टाइप से क्या होता है, जितना बुरा चीज है ना उसी पे आपका ध्यान जाता है और उसी में क्या होता है ना, आप में जो अच्छाई है ना वो इग्नोर होने लगता है। तो ऐसा मत कीजिए, आप में बुराई हाँ है, आप में अच्छाइयाँ भी है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, जैसे बुरा को देख रहे हैं आप, आपके अच्छाई को भी आपको देखना पड़ेगा। स्टॉप बींग इन स्केयरसिटी माइंडसेट, स्केयरसिटी माइंडसेट में रहना बंद कर दीजिए, वो डरना उस टाइप से वो बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने जो जो बताया वो स्टेप आप जरूर लीजिए। मैं अपने बारे में कहती हूँ, मेरा मेरा जब ये सिचुएशन हुआ था तो मैं अपने दोस्तों से, बहुत सारे दोस्तों से इसके बारे में शेयर किया था, मैंने बहुत सारे वीडियो देखा था जिसमें ये होता है कि ब्रेकअप करने के बाद मूव ऑन कैसे किया जाए, ये सब होता है। मेरा जो हॉबी था, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती थी, जो मेरा जॉब था काम था उसको मैं करती थी, माने मैं खुद के ऊपर काम की थी, मैं खुद को जबरदस्ती का वहां से निकाल के लाने की कोशिश की थी, जिसलिए ये काम हुआ। हम अभी क्या एग्जांपल देखिए, ओंड को हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं तब वो ठीक होता है, तो इसी तरह से खुद को जबरदस्ती वहां से खींच के लाना है, खुद के अंदर आपको वो जोर लाना है, कॉन्फिडेंस लाना है वो, कि खुद को वहां से निकाल के हम लाएंगे तो तब जाके आप उसको ला सकते हैं। हाँ, रोना आता है तो बोल ना, तो रोना आता है रो लीजिए, दिल हल्का हो जाएगा, लगता है 2 दिन खाना नहीं खाएंगे मत खाइए, रह जाइए उसी तरह से, लेकिन उसमें गहरी तरह से मत ढुक के रखिए। जो बंदा आपको छोड़ के गया है वो तो अपने लाइफ में मस्त है, हाँ वो तो अपने लाइफ अच्छा से जी रहा है, तो आपका क्या जाता है, आप भी अपना लाइफ अच्छा से जीजिए, छोड़ दीजिए उसको, जाओ अब जी लो अपनी जिंदगी, उसको छोड़ दीजिए, आप अपने लाइफ देखिए, खुद के लाइफ के बारे में सोचिए, खुद के फैमिली के बारे में सोचिए, आपके लिए आपके फैमिली मेंबर क्यों उतना झेलें, उसके लिए सोचिए, उनका सोच के आप खुद को ठीक कीजिए। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, सोच के आपके खुद को हीलिंग करने की कोशिश करनी होगी। और इस दुनिया में अकेले आप ही नहीं हो जिसका दिल टूटा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने दिल को तुड़वाए हैं और वापस वो जुड़ भी गए हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ जो है ना बहुत बड़ी होती है और लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए इतने बड़े लाइफ को क्यों एक इंसान के लिए वेस्ट करना, जो इंसान हमको समझा नहीं, आपको छोड़ के चला गया, उस इंसान के लिए अपनी लाइफ को हम लोग गवा देंगे, क्यों गवाएंगे भाई, हमारा लाइफ भी तो कीमती है, बहुत बड़ा लाइफ है हमारा, हम लोगों को लाइफ में बहुत कुछ अभी करना है। एक इंसान के लिए जो कि मुझे समझा नहीं, छोड़ के चला गया, उसके लिए मुझे अपना लाइफ वेस्ट नहीं करना है, मेरे अच्छे मोमेंट को मुझे खोना नहीं है, मेरे फैमिली के खुशी को मुझे छीनना नहीं है, नहीं करना है मुझे ये सब, बहुत लाइफ है, बहुत झेल लिया मैंने, चलो भाई अब तुम जियो अपनी ज़िंदगी और मैं जीऊँगी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो लगता है, आई होप कि आज जो जो हम बोले आप लोगों को, आप लोग फील कर पाएंगे और आप लोग खुद को उसी तरह से करने की कोशिश करेंगे, इसी तरह से सोचने की कोशिश करेंगे और ज़रूर खुद को मूव ऑन कीजिएगा, खुद को निकाल के लाइए उस पोजीशन से। आपका लाइफ बहुत बड़ा है, लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है और लाइफ में कीजिए जो जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, जो अच्छा लगे आपको, ठीक है। ड्राइंग करना है कीजिए, गाना गाना है जोर जोर से चिल्ला के गाना गाइए, रिग्रेट लेटर लिखना है लिख डालिए, हो सके तो उस बंदे को अगर कुछ करने की मैसेज मन हो रहा है कि टेक्स्ट करें या फिर स्टोरी शेयर करें या फिर कुछ करें या फिर उसको जलाने के लिए कुछ करें, ये वो अपना कुछ शो ऑफ से गंदे चीप थिंग ये सब करना बंद कर दीजिए, मत कीजिए। हाँ, बहुत ही ज़्यादा मन करता है तो उसको मैसेज लिख दीजिए, ईमेल लिख दीजिए, लेकिन सेंड मत कीजिए उसको, लिखने तक ही स्टॉप रखिए, बस लिख दीजिए, अपने मन के भड़ास निकाल दीजिए, सेंड मत कीजिए, सेंड कीजिएगा वो सोचेगा कि आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसको, आप उसके बिना नहीं रह सकते, खुद को बहुत इंपॉर्टेंट इंसान मान लेगा,
ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, खुद के ऊपर कंट्रोल कीजिए, खुद को ठीक रखिए, खुद को जो अच्छा लगता है वो कीजिए, उस इंसान को फॉरगिव कीजिए और उस इंसान को छोड़ दीजिए और अपने लाइफ को अपनी तरह जीए, ठीक है। तो आज बहुत सारा कुछ मैंने बताया आप लोगों को, प्लीज़ गौर करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अपने इसी सब चीज़ों से मैंने अपने लाइफ को ठीक किया है, मैंने मूव ऑन किया है, अभी मेरा सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। तो जब अगर मैं मूव ऑन कर सकती हूँ, आप सब कर सकते हैं। हम मन में जोर लाइए और अगर हो सके कभी भी खराब लगेगा तो मेरा ये वीडियो खोल के देख लीजिएगा एक बार, फिर अपने मन में जोर लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही मैं रखती हूँ। मैंने मूव ऑन कर लिया है ब्रेकअप से और हम मुझे उम्मीद है मुझे उम्मीद क्या मुझे यकीन है कि आप लोग भी मूव ऑन कर पाएंगे। तो आज का वीडियो फिर यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और कुछ चीज़ जानने की ज़रूरत हो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे कमेंट का इंतज़ार रहता है आप लोगों का, कि ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। आप लोग सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, गुड बाय।